नमस्कार सिक्स क्लास, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जितना तबला बजाना जितना ज़रूरी है, संगीत के प्रश्न को जानना भी उतना ही जरूरी है। और ये वीडियो जो है वो सिर्फ तबले के बच्चों का नहीं है, ये वीडियो गायन के जो बच्चे हैं, इंस्ट्रूमेंट के जो बच्चे हैं, सितार के और तबले के जो बच्चे हैं, सभी के लिए ये वीडियो है। इसलिए मैं आज आपको सारा मिलता जुलता, सभी का मिलता जुलता प्रश्न जो है उसके बारे में बताऊंगा। और हम लोग आज थ्योरी पर ही चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं तीन ताल आपका बहुत फेमस ताल है, आपका जाना पहचाना ताल है। तो तीन ताल कितने मात्रे के होते हैं, कितने विभाग होते हैं, कितनी ताली होती है, कितनी खाली होती है? तो तीन ताल में 16 मात्रे का तीन ताल होता है। तीन ताल में तीन ताली होता है, एक खाली होता है और चार विभाग होते हैं। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप देखिए तबला है, ढोलक है, सितार है, वीणा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बांसुरी है। और ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो किन किन चीज से बना है, तो ये हम लोग आज जानते हैं। अब जैसे आप देखिए तबला, तो तबला सामने आपका रखा हुआ है, तबला चमड़े का बना होता है। सितार जो है वो स्ट्रिंग का, सरोद स्ट्रिंग का, और वीणा जो है वो भी स्ट्रिंग का, तार जो है उससे बना होता है। और बांसुरी जो है और सहनाई जो है, ये सब हम हवा के फूंक के द्वारा हम लोग बजाते हैं। तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरह से बनाया जाता है। इसमें तबला जो है, तबला एक पहला इंस्ट्रूमेंट है जो लय प्रधान है, बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्वर प्रधान होते हैं। अब जैसे आपका डांस पे आते हैं, बहुत सारा डांस आप जानते हो भारत में। देखो पंजाब में कौन सा डांस किया जाता है, आसाम में कौन सा डांस किया जाता है, राजस्थान में कौन सा डांस किया जाता है। तो जितने भी फोक डांस हैं वो हमारे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में अलग अलग डांस किए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे क्लासिकल डांस भी हैं। तो कुछ डांस को क्लासिकल की मान्यता प्राप्त है और जगह जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग फोक डांस होते हैं। जैसे पंजाब में हमारा भांगड़ा होता है, कालबेलिया जो है ये राजस्थान में होता है, जैसे बिहू जो है ये आसाम में होता है। इसी तरह बहुत सारे बम्बू डांस जो है ये मिजोरम में होता है। बहुत सारे डांस जो है अलग अलग प्रांत में होते हैं, लेकिन हमारा कथक जो है ये क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम जो है ये हमारा क्लासिकल डांस है। इसके अलावा भरतनाट्यम जो है ये हमारा क्लासिकल डांस है। इसके बाद कथकली जो है ये हमारा क्लासिकल डांस है।
तो भारतवर्ष में बहुत सारे डांस हैं, नृत्य हैं, जिसमें फोक डांस भी है और क्लासिकल डांस। अच्छा, अब बच्चों हम लोग गाना भी सीखते हैं। आपको पता है गाने में कितने सप्तक होते हैं? एक होता है मंद सप्तक, जो नीचे का स्वर होता है। एक होता है मध्य सप्तक, जो बीच का स्वर होता है। एक होता है तार सप्तक, वो ऊपर का स्वर होता है। जैसे मंद सप्तक जो हुआ वो हुआ, ये हुआ मंद सप्तक, और मध्य सप्तक जो है सारे गामा, ये बीच का स्वर है, ये हुआ मध्य सप्तक। और तार सप्तक जो है वो सारे गामा, ये जो है ये हो गया तार सप्तक। तो मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, हमारे यहाँ गाने में तीन सप्तक होते हैं। इसके अलावा हम लोग गाने में देशभक्ति सॉन्ग गाते हैं, हम लोग भजन गाते हैं, हम लोग गजल गाते हैं, हम लोग बर्थडे में भी सॉन्ग गाते हैं, हम लोग जब 15 अगस्त होता है, जब 26 जनवरी होता है, उसमें देशभक्ति गाने गाते हैं। हम लोग बहुत सारे गाने अलग अलग त्योहारों में हम लोग अलग अलग गाना गाते हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है जो हमारे जो राष्ट्रगान है, इसके रचयिता कौन है? हमारे राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, इसके जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। और हमारा राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था। तो बच्चों हम देखते हैं इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हमने जाना और इसके बारे में हमने समझा। तो आज आप लोग इसके बारे में फिर से सुनिए और देखिए।